तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बात करने वाले बिहार बोर्ड से इंटर पास के स्टूडेंट को। तो आपके लिए खुशखबरी है, बिहार बोर्ड की तरफ से 25,000 स्कॉलरशिप छात्राओं को दिया जा रहा है। अगर आप इस स्कॉलरशिप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इंटर के फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप योजना विषय रूप में बिहार की 12वीं कक्षा के पास छात्रों के लिए है। बिहार बोर्ड से 12वीं एग्जाम फर्स्ट डिवीजन पास किए तो उन्हें बिहार बोर्ड की तरफ से 25,000 रुपया दिया जा रहा है। तो बिहार इंटरमीडिएट का फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप 2021 की शुरुआत मुख्यमंत्री कन्या उद्धन योजना 2021 के अंतर्गत किया गया, जिसमें छात्रों को 25,000 राशि DBT के माध्यम से खाते में भेजा गया है, जिसके लिए ई कल्याण बिहार की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन हुआ था। यह स्कॉलरशिप केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर आप इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन अंक से पास किए तो सरकार के द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप की लिस्ट में जारी किया जाता है। अगर आप नाम उस लिस्ट में नहीं आता तो क्या करें? अगर आपका नाम उस लिस्ट में आता है तो आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारे साथ साथ जुड़े रहें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंटर स्कॉलरशिप 2020 का डेट पिछले वर्ष जुलाई के पहले हफ्ते में आवेदन शुरू हुआ था, लेकिन इस विषय सितम्बर 2021 तक आवेदन शुरू होने की संभावना जताया जा रहा है। छात्रा के नाम पर बैंक खाते के साथ आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक है और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट 25,000 स्कॉलरशिप 12 पास बिहार बोर्ड देख सकते हैं। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो IFC कोड, ब्रांच नेम, इंटर का मार्कशीट, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। यह डेट देख सकते हैं, अगस्त में स्टार्ट हो सकता है।